नमस्कार और खेल ढाबा में आप सभी का स्वागत है। आज दिल्ली के खेला यहाँ पे पूरे देश भर के बहुत सारे खिलाड़ी आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ ऑफिशियल्स हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि ये थ्रो बॉल का जो चैंपियनशिप है वो कैसा जा रहा है और वो लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ अभी है श्री नरेश मान सर, जनरल सेक्रेटरी थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारे साथ है अतुल शुक्ला सर, छत्तीसगढ़ थ्रो बॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, और प्रेम सिंह सर, पंजाब थ्रो बॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी। तो सर, प्रेम सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो थ्रो बॉल का जो नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, इसमें आपको कैसा लग रहा है? ये थ्रो बॉल चैंपियनशिप के प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? ये चैंपियनशिप तो बहुत ही अच्छी चैंपियनशिप हो रही है। इसमें इंडिया से बॉयज और लड़कों की हॉकी टीम आई हैं जी, और इधर से जो आगे लीग के मैच होंगे बंगाल में हो रहे हैं। इंडिया के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कल मीटिंग में बैठाया, उसके लिए सिलेक्शन की जाएगी बच्चों में, और बच्चों में बहुत ही अच्छा उत्साह है और बहुत ही बढ़िया जोर से खेल रहे हैं। बच्चों को पूरा विश्वास है भाई कि गेम आगे इंटरनेशनल पर जाए। रहमान जी बढ़ के भी प्रेजेंट हैं और इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये इसके लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारे कर्म सिंह कर्मा जी दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने थ्रो बॉल को बहुत ही हाई लेवल के ऊपर ले गए हैं। बाकी आप सब कुछ देख ही रही हैं, टीमें आई हुई पता सब चल ही रहा है। तो शुक्ला सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सभी यहाँ पे जो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है और खिलाड़ी बहुत जोर शोर अपना मेहनत लगा के खेल रहे हैं, तो इसमें ऑफिशियल्स और जो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल, ये सब इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं सर? टेक्निकल ऑफिशियल्स और ऑफिशियल्स फेडरेशन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बट वो भी उनको काफ़ी अच्छा तैयारी करके उनको नियुक्त किया जाता है। तो बहुत अच्छा आप देख ही रहे हैं, सारे मैच रूटीन में चल रहे हैं, सब शेड्यूल लगे हुए हैं, ऑफिशियल के साथ टूर्नामेंट हो रहा है और शानदार टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत अच्छा है। जो ऑफिशियल पूरे कर्तव्य के साथ अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और अभी हमारा अगला क्वेश्चन है नरेश बाबू के साथ, हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि पूरे थ्रोबॉल एसोसिएशन को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आप सब लोगों का दिल्ली में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ अपनी थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की टीम के द्वारा। और जैसे हमारी एक टीम है थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की, उसके चीफ पैटर्न हमारे पदम श्री महावली सतपाल जी हैं और सुशील पहलवान जी हैं पैटर्न, और हमारी टीम है, अच्छी टीम है, वो टीम वर्क काम कर रहा है हमारा। और हमारा सौभाग्य है जो फेडरेशन ने हमें ये टूर्नामेंट करवाने के लिए जो हमें मौका दिया है, और हम अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं कि बच्चों को सुविधाएं दी जाए, ऑफिसरों को सुविधाएं दी जाए, रहने की, खाने की, और जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनके लिए होटल वगैरह के सब अरेंजमेंट हमारी थ्रो बॉल एसोसिएशन दिल्ली ने कर रखे हैं। क्योंकि हमारे करम सिंह कर्मा जी एक जुझारू नेता हैं, जुझारू खिलाड़ी भी रहे हैं, मैं खुद कबड्डी से इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, तो मोस्टली हमारी टीम सभी खिलाड़ियों की, उसमें प्रवीण राणा जी है वो हैंडबॉल से हैं, और पवन राणा जी वो भी नेट बॉल से हैं, और जो अपने ज़्यादातर साथी सभी मोस्टली स्पोर्ट्स पर ही जुड़े हुए हमसे। तो जैसे ही फेडरेशन ने अलॉट किया, ये शॉर्ट टाइम में हमें मौका मिला है, एक महीने पहले ही मिला मौका कि ये टूर्नामेंट दिल्ली करवाएगा। मैंने डिस्कस किया अपनी एसोसिएशन को कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई और हमने टूर्नामेंट करवाना पड़ेगा, तो एसोसिएशन ने कोई बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टूर्नामेंट करवाएंगे। और जो भी मैंने तो कल मीटिंग ली थी अपने उसकी स्टेट सेक्रेटरीज की, कोचिंग मैनेजर्स की, कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रा बताएं। तो भगवान की दया से ऐसा कुछ चांस नहीं मिला। और सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आपको शॉर्ट टाइम मिला था और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर दिया गया बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन अपकमिंग क्योंकि थ्रो बॉल को एक न्यू पहचान देगी इस खेल जगह। देखिए, मैं हम काफ़ी दिन से करीबन 2 साल से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अभी हमने भी जैसे कबड्डी की प्रो कबड्डी होती है, ऐसे ही हमने थ्रो बॉल की प्रीमियर लीग के लिए एक प्लान बनाया है जिसको अभी वेस्ट बंगाल थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करेगा, वो भी थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेगा, और उसमें लड़कियों की हम लीग करवा रहे हैं मार्च मंथ में। अभी डेट डिसाइड नहीं है, शायद
कल हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है उसमें डिसाइड हो जाएगा। वैसे टेंटेटिव हमारे पास है 10 से 15 मार्च तक का हमारा मूव, तो बाकी और कल हमारी मीटिंग में हो जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ सबको वहाँ कैश प्राइज दिया जाएगा, बच्चों को प्रॉपर किट दी जाएगी, शूज, टावल, सॉक्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स, ब्लेजर, ये सब हर बच्चे को जिसका सिलेक्शन होगा। और उसका जो सिलेक्शन है उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है हमारी फेडरेशन ने, चार मेंबर्स की, उसमें नीरज कुमार पप्पू जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं और फुरकान अहमद खान हैं, मुरारकर सर हैं, और उस कमेटी के चेयरमैन श्री नीरज कुमार पप्पू को बनाया गया है। उसी में अभी बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, उसमें हम 6 टीमें बना रहे हैं, जो 6 टीमों के लिए जो ऑर्गेनाइजर हैं या सॉरी ओनर बनेंगे, अभी उनकी बिड्स डाल ली है, तो शाम को बिड्स खुलेगी, उसके बारे में हम फिर बाद में आपको बताएंगे। जी सर, तो ये जान के बहुत ही खुशी हुई सर कि अपकमिंग जो मंथ है या फिर अपकमिंग साल है उसमें थ्रोबॉल को एक नया पहचान मिलेगा और कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी होते रहेगी जिसके कारण खो खो कुछ भी होते रहेगी जिसके कारण थ्रोबॉल के खिलाड़ी इसमें इंगेज रहेंगे, उनको एक नया पहचान मिलते रहेगा। यस बिल्कुल, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, घर से आया है वो, कुछ घर वालों ने भी तो खर्चा किया, ये इतने अमीरों का गेम तो है नहीं, क्रिकेट तो है नहीं, फुटबॉल तो है नहीं, ये तो एक ग्रास रूट का गेम है, एक नेट डाल लगा दिया और एक बॉल चाहिए और कुछ है नहीं, कोई कॉस्टली गेम नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादातर गरीब लोग बच्चे ज्यादा खेल रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं बच्चों को प्रोत्साहन मिले, उनको फाइनेंशियल जो भी हेल्प हमारी एसोसिएशन और हमारी इंडिया फेडरेशन करेगी, तो जितना भी हमसे अच्छे से अच्छा होगा बेटर होगा 100%। सर तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्लान है और आप लोग इतना अच्छा एक्टिविटी करा रहे हैं वो सफल हो और थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया नई ऊंचाई को पहुंचे। बिल्कुल धन्यवाद आपका, क्योंकि देखो इस गेम को जो ऊंचा ले जाने के लिए एक मीडिया का बहुत अहम भूमिका होती है, मीडिया की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जब तक ये हमें, क्योंकि पुशअप क्या है, ये क्रिकेट को तो मीडिया ने ही पहुँचाना चाहिए, अब कबड्डी भी ऐसा ही आ गया, हम भी चाह रहे हैं कम से कम उसके बराबर तो करें, हम भी चाह रहे हैं बच्चों को भला हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और बच्चों से भी मैंने बोला बेटा डिसिप्लिन में रह के अच्छा खेलो, फिजिकली फिट रहोगे, ये हमारे एक सुझाव भी था बच्चों को, और हमारी फेडरेशन ने और हमारी जो थ्रोबॉल एसोसिएशन दिल्ली है सभी मेम्बर्स ने, उन्होंने बताया कि सर नई टूर्नामेंट हम करवाएंगे 100%, और इसका जो लीग का है वो भी कल हमारी जनरल बॉडी की और एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होनी है, उसमें डिसाइड हो जाएगा, उसमें हम आप लोगों को पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को, प्रिंट मीडिया को सब प्रेस रिलीज दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोग को बहुत बधाई हो कि आप लोग ये 45वां सीनियर थ्रोबॉल चैंपियनशिप सफल कर रहे हैं और इसके बाद एक बहुत ही अच्छे आयोजन करने जा रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और खेल धावा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी सर का धन्यवाद। नमस्कार।